हेलो, नमस्कार दोस्तों। 26 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स ब्रिटिश सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। देखो, स्वदेश दर्शन जो स्कीम है वो 2015 में टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च है वो की गई थी। किस ऑब्जेक्टिव से वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम का टारगेट ये था कि हमारे देश में जो भी दार्शनिक स्थल हैं या जो भी घूमने लायक जगह हैं उनको प्रमोट किया जाए और उनको थीम बेस्ड अप्रोच पे आगे प्रमोट है वो करना है। मतलब हर एक टूरिज्म प्लेस को एक अलग थीम दी जाएगी, उसके आधार पर उनको डेकोरेट किया जाएगा और उसको टूरिज्म सर्किट के तौर पर डेवलप करना है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है कि टूरिज्म सर्किट वो बूस्ट करने हैं हमारे देश में। जिससे टूरिज्म बढ़ेगा तो काफ़ी तरह की इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, इकोनॉमिक जॉब हैं वो भी क्रिएट होने वाली हैं। अगर हम बात करें तो टूरिस्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस्ड है, टूरिस्ट सर्किट डेवलप किए जाएंगे, वहाँ पे कंपटीशन है वो बढ़ेगा और आपस में एक इंटीग्रिटी की भावना है वो भी हमारे देश में डेवलप होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, इसमें जो 100% फंड है, सारा का सारा फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है। और ये जो पैसा है गवर्नमेंट के पास, ये गवर्नमेंट है वो पब्लिक फंडिंग से भी कलेक्ट है वो करती है। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है पब्लिक फंडिंग से और फिर उस पैसे को गवर्नमेंट है वो इन स्वदेश दर्शन स्कीम में जगह जगह पर सर्किट है उनको डेवलप किया जाता है। हर एक जगह पर एक अलग से उसकी थीम रखी जाती है, उसके आधार पर उसको डेवलप है वो किया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कंपनीज़ के लिए जो एप्लीकेबल होती है कि भाई उनको भी कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, तो उनको भी कुछ ना कुछ काम करना होता है, कुछ डेवलपमेंट करना होता है, उस पैसे का भी यूज़ है वो स्वदेश दर्शन स्कीम में है वो किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी इसमें इन्वेस्ट या इस स्कीम में पैसा वो लगाता है एक तरीके से, ताकि थीम टूरिज्म है उसको डेवलप अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। न्यूज़ देखो ये आई है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की कुछ नई गाइडलाइंस वगैरह थी, तो उनको हमारे देश में भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल है वो दिया है। तो वो गाइडलाइन वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बॉडी। देखो, इसको सेटअप किया गया था ट्रीटी ऑफ बर्न के तहत 1874 में, मतलब 1874 में इस ट्रीटी ऑफ बर्न के तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। यह एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है, UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के बैन में है। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसके बॉडी कौन कौन से चार पार्टों से मिलकर बनी हुई है। इसके चार पार्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि यूनिवर्सल जो पोस्टल यूनियन है इसके चार पिलर हैं। कौन कौन से? एक पिलर का नाम है यहाँ पे काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे का नाम है पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, और तीसरे का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक है यहाँ पे येरा कांग्रेस के नाम से। तो इस तरीके से चार इसके पार्ट हैं, उनको मिला के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है वो बनती है। अब इम्पोर्टेंट आता है कि इसका काम क्या है, क्या ये फंक्शन है वो करती है। इसका देखो जो काम है वो है एक्सप्रेस मेल सर्विस, आपने नाम सुना होगा EMS, एक्सप्रेस मेल सर्विस है। उसको लेके कोऑर्डिनेट वगैरह करना हो, कोऑपरेट करना है, उसके ऊपर फोकस ये करती है। अगर मैं आपको सीधे वे में बताऊँ यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन का काम, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो भी पोस्ट डाक वगैरह जाती हैं उनको लेके रेगुलेशन, उनकी कुछ गाइडलाइंस वगैरह हैं वो डिसाइड की जाती हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी आया था कि जब से जम्मू एंड कश्मीर के जो 370 हटाया गया था आर्टिकल, तो उसके बाद हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने जो इंडिया की पोस्टल सर्विस थी ना उनको बंद कर दिया था। तो उसी को लेकर आर्टिकल ये आया था कि भाई यूनिवर्सल पोस्ट यूनिवर्सल जो पोस्टल यूनियन है इसकी गाइडलाइन के अगेंस्ट जाके पाकिस्तान ने ऐसा स्टेप उठाया था, ऐसे पाकिस्तान बिना किसी नोटिफिकेशन के जब चाहे तब सर्विस है वो बंद नहीं कर सकता, तब भी ये आर्टिकल हमने डिस्कस है वो किया था। बट यहाँ पे जो आर्टिकल है वो कुछ अलग पॉइंट को लेकर है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में जानना। तो हमने देखा कि इसका काम वो कोऑर्डिनेशन लेके को लेके है कि पोस्टल पॉलिसी है अलग जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में, इसी के साथ जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे पोस्टल सिस्टम है इसको लेके काम है वो करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना है उसका अभी इनोग्रेशन किया गया था कल ही, यानी कि 25 दिसंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। इस स्कीम का मेन टारगेट है वो ये रखा है ग्राउंड वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। मतलब ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पे इसका मेन फोकस है वो रहने वाला है। तो ये ध्यान रखना कि वो एरिया हमारे देश में जहाँ पे पानी की भारी कमी है, ग्राउंड वाटर लगातार तेजी से कम हो रहा है, उन एरिया में ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करना है या कंजर्व करने पे फोकस है वो रहेगा। मतलब वहाँ पे लिमिटेड यूज लेना है, ऐसा नहीं कि आप पानी को एक्सप्लॉइट करते रहो और वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम आती आ जाए। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में गर्मियों में अगर हम बात करें तो जो प्रॉब्लम है पानी की वो बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे पानी की किल्लत रहती है, पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उन्हीं को अगर हमें सुधार लेना है
तो इसके फोकस करना होगा कि भाई ग्राउंड वाटर को हम प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करें, उसका मिसयूज है वो ना करें। और इसी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लॉन्च है वो की गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसमें जितना भी पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करने वाली है, स्टेट को इसमें कोई पैसा नहीं देना है। बट इसमें 6,000 करोड़ रुपए की जो हेल्प है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड है वो करवाई जा रही है, और ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो ध्यान रखना अटल भूजल योजना का ट्रस्टी कौन है, ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा दे रहा है फंडिंग के लिए कि बेटी का आप इसको यूज है वो ग्रो। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है। अब होगा क्या कि 50% पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से देने वाली है, और जो 50% पैसा है वो उसको मिलने वाला है वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। स्टेट को इसमें कोई अपनी तरफ से पैसा अलग से खर्च करने की जरूरत है वो नहीं होगी। एम इसकर हम बात करें, मोटो वो ये रखा गया है कि हमारे देश में जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, और वो एरिया जहाँ पे पानी है वो मतलब बहुत कम हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लेवल पे है, उन एरिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे भी फोकस है वो किया जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हेल्प से। मतलब समुदाय की हेल्प ली जाएगी, वहाँ पे रहने वाले लोगों की हेल्प से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा, उसको रिस्टोर किया जाएगा, और पानी को यूटिलाइज करने की तरफ फोकस है वो किया जाएगा। ये है अटल भूजल योजना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। न्यूज़ ये आई है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, CCS है, उसने अभी अप्रूवल दिया है कि हाँ भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसकी पोस्ट अभी तैयार है, क्रिएट है, वो की जाए। अब हम जानते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट है वो है क्या है। देखो, ये एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होगा हमारे देश में गवर्नमेंट के लिए। अभी क्या है, हमारे देश में जल सेना प्लस थल सेना प्लस वायुसेना, तीनों अलग अलग आपको पता है, और तीनों को अगर जब भी कोई मान लो कि कहीं ज़रूरत होती है तो तीनों अपनी अलग अलग रिकमेंडेशन देती हैं गवर्नमेंट को। तो इससे क्या होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो जाता है कि गवर्नमेंट के सामने चुनौती आ जाती है कि यार हम जल सेना की बात माने, थल सेना की माने, वायुसेना की। काफ़ी बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, या फिर ये मान लो कि गवर्नमेंट को कुछ इक्विपमेंट खरीदने हैं तो गवर्नमेंट को सामने प्रॉब्लम नहीं आती कि जल सेना कहती है कि भाई हमारे लिए इक्विपमेंट खरीदो आप, ये ज़रूरी है। थल सेना कहती है कि नहीं भाई हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायुसेना कहती है कि नहीं भाई हमारे पास कुछ नहीं, आप हमें खरीदने दो। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता रहता है। इसी को दूर करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट है वो तैयार की जा रही है। इसमें होगा क्या कि चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ की पोस्ट है वो जो पर्सन जिसको सिलेक्ट किया जाएगा इस पोस्ट के लिए, वो इन आपस में जो तीनों ही है ना, जल थल और वायुसेना, इनके एक तरीके से हेड होगा। हेड का मतलब ये है कि इनको लेके जो भी रिकमेंडेशन देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एक ही पर्सन देगा। इन तीनों को रिकमेंडेशन नहीं देनी है, ये तीनों है वो रिकमेंडेशन देंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें डिसीजन है वो लेना चाहिए, या यहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, जो भी जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से काम है वो करेगा। मतलब हमारे देश में जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो और गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से ज्वाइंट है, या बोल सकते हो कि लिंक का, मीडिएटर का काम एक तरीके से वो करने वाला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक तरीके का एडवाइजरी है वो जारी करेगा। ये देखो जो पोस्ट है वो क्रिएट करने की बात आई थी जब कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी कारगिल की लड़ाई होने के बाद 2000 में। इसके बाद में पहली बार इसका प्रपोजल उठा था कि भाई हमारे देश में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरी है, जल थल और वायु सेनाओं में इसके लिए एक पोस्ट होनी चाहिए। और उस टाइम पर रिव्यू में बात सामने आई कमेटी में, और उसके बाद गवर्नमेंट ने इस कदम उठाए हैं कि हाँ भाई हम एक पोस्ट है वो बनाते हैं। काम क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि आपस में जल थल जो तीनों हमारी सर्विस है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो काम करेगा ये चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। अगर हम इसकी कुछ कंडीशंस देखें, कुछ गाइडलाइन है वो ये रखी गई हैं कि एक 4 स्टार है वो जनरल होगा, मतलब इस पर 4 स्टार है वो लगे रहेंगे इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें तो ये पॉइंट रखा गया है कि वो जब भी इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट खाली करेगा इसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट की जॉब है वो मतलब ज्वाइन है वो नहीं करेगा। इसी के साथ ही कोई भी अगर रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट जॉब है वो भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ज्वाइन है वो नहीं कर सकता। मतलब पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी प्राइवेट जॉब के लिए भी, तभी वो किसी प्राइवेट जॉब को भी ज्वाइन है वो कर सकता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस, मतलब गवर्नमेंट को कोई भी एडवाइस देनी होगी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिलेटेड, तो केवल सिर्फ ये चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है यही गवर्नमेंट को हेल्प है या एक तरीके से डायरेक्शन है, गाइडलाइन है वो प्रोवाइड करवाएगा। किस लिए, चाहे उनको कोई आर्मी ट्रूप्स कहीं डिप्लॉय करनी हो, या फिर कोई प्रोक्योरमेंट कुछ करना हो, या फिर कोई लॉजिस्टिक हो आर्म फोर्सेज वगैरह को लेके, ये सारे डिसीजन है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ऑक्सीजन पार्लर के बारे में। देखो, जिस तरीके से ब्यूटी पार्लर होते हैं उसी तरीके से ऑक्सीजन पार्लर है, इनका निर्माण किया गया है। हमारे देश में जो पहला ऑक्सीजन पार्लर है इसका निर्माण किया गया है नासिक रेलवे स्टेशन पे। क्या है यह ऑक्सीजन पार्लर, ये देखो इस तरीके का कुछ है देखने में, मतलब एक तरीके से
कि काफ़ी सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं चारों तरफ और बीच में से गैलरी रखी गई है ताकि लोग इधर से उधर आराम से मूव है वो कर सकें। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो जो उन लोगों को हेल्दी या उसको फ्रेश एयर की ज़रूरत हो, एक तरह से आप बोलो कि उनको फ्रेश एयर के बीच में घूमना हो, तो वो इधर से उधर मूव एक तरीके से कर सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है ऑक्सीजन की जो आप बोलते हो मात्रा को बढ़ाने के लिए, तो अच्छी हवा में सांस लेने के लिए ये एक इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है नासिक रेलवे स्टेशन के अंदर। इसका जो इनिशिएटिव के अंदर जो भी पैसा खर्च किया गया या जो भी प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पे एरियो गार्ड के लेके और इंडियन रेलवे के बीच में कोलाब्रेशन है। एरियो गार्ड एक कंपनी है वो और इंडियन रेलवे दोनों की पार्टनरशिप से इस प्रोजेक्ट को अंजाम है वो दिया गया है। क्या करेगा ये जो ऑक्सीजन पार्लर, ये देखो जो भी यहाँ पे खतरनाक या हार्मफुल पोल्यूटेंट गैसें होंगी उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और इसी के साथ फ्रेश एयर है वो वातावरण में रिलीज है वो करेगा, कुछ इस तरह का देखने को दिखेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है रोहतांग टनल या रोहतांग पास को लेके। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रोहतांग पास पर टनल बनाई गई थी इसका नाम अभी चेंज करके रख दिया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी पर्वतीय 25 दिसंबर को ही निकल ही थी, उसी मौके पर इसका नाम है वो चेंज किया गया है। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं रोहतांग टनल या रोहतांग पास से रिलेटेड। देखो यह जो पास है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाइट पे है, यानी सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो लगभग 3,000 मीटर की हाइट पे ये टनल या पास है वो बनी हुई है। इसकी लेंथ है वो है लगभग 8.8 किलोमीटर, तो सर इस हाइट पे यानी कि 3,000 मीटर की हाइट पे इतना लंबा टनल वर्ल्ड में एकमात्र इंडिया में ही है और कहीं नहीं है। कौन सी रेंज पे ये इंपॉर्टेंट है, रोहतांग जो पास है वो पीर पंजाल रेंज पे बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ किसको कनेक्ट करता है, यह मनाली को लेह से कनेक्ट है वो करता है, तो ये ध्यान रखना कि मनाली को लेह से कनेक्ट करता है, या फिर अगर हम बात करें तो लाहौल और स्पीति के बीच में रास्ता है वो प्रोवाइड करवाएगा लद्दाख के जासकर वैली वाले रास्ते से। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है रोहतांग पास के बारे में कि कहाँ है, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये थी हमारी डिस्कशन, अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में जाना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसमें जो भी हमारे देश में टूरिज्म सर्किट है इनको डेवलप है वो किया जाएगा एक अलग थीम के नाम पर। इसी के साथ हमने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में जाना जो कि एक इम्पोर्टेंट यूनाइटेड नेशन की क्या है स्पेशल एजेंसी है। फिर हमने अटल भूजल योजना के बारे में कवर किया। इसी के साथ हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में है वो कंप्लीट किया। फिर हमने यहाँ पे जाना ऑक्सीजन पार्लर क्या है, और लास्ट में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि रोहतांग पास का इसका नाम चेंज करके रख दिया गया अटल बिहारी के नाम पर। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।